देख रही हो आजरा, हमारा परवेज बीए हो गया है, कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। तुम्हें बड़ी ख्वाहिश थी ना कि ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लो अब ये बड़ा आदमी बन रहा है। आ गई तुम मोहल्ले में मिठाई बांट कर। हाँ, सब कह रहे थे कि वो घर आकर मुबारकबाद देंगे। भाई जरूर आए, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी दोस्तों को खुशखबरी सुनाकर आता हूँ। जी अच्छा। जावेद, आज की लिस्ट आई? जी सर, लियाकत साहब के पास है। सर, इसमें तीन केस लगे हैं, दो पटीशन है और एक रिटर्न अपील है। साफ कर दो। आओ परवेश। कैसे हैं वसीम साहब? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ? बस मजे कर रहा हूँ। लिबास साहब ने बुलाया? हाँ है, आओ मिलो। जाते हैं मुझसे मिलते। हाँ परवेज, तुम क्या कर रहे हो आजकल? बैठो बैठो। थैंक यू सर। हाँ, मुझे अलबत्ता तुम्हारे बारे में कुछ खास हिदायत मिली है तुम्हारी सरपरस्त की तरफ से। जी सर। तुम कल, कल नहीं, कल नहीं, परसों शाम को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। फाइन, तुम मेरे साथ खाना खाओ परसों शाम को मेरे घर पर, हम वहीं बातें करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। बल्कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तुम्हारे साथ दो और लड़के हैं ना जो फारूक साहब से पढ़ते हैं, एक तो उनका बेटा है और दूसरा दराब। हाँ, उन्हें भी लेकर आओ। मैं जरा देखना चाहता हूं कि नई नस्ल क्या सोच रही है। सर लेकिन दराब जरा बदतमीज सा है। ओ सो व्हाट, तुम उसे लेते आओ परसों शाम। ओके सर, जैसा आप कहें। फाइन, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। यस, कम इन। हाँ परवेज, बैठो। थैंक यू। हो गई बात? पता नहीं। पता नहीं क्या मकसद? बात हुई तो है वसीम साहब, लेकिन जो असल बात होनी है उसके लिए उन्होंने परसों शाम डिनर पर बुलवाया। अच्छा मौका है, आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। वैसे भी आप उनके बारे में जानने के लिए बहुत तजस्सुस में रहते थे। हाँ, उनके घर पे आपकी दिलचस्पी का भी किरदार होगा। अच्छा। बगौर देखना उसे, तुम्हें जब्बार साहब की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मगर वो किरदार है कौन? एक सिधाई की शेरनी। शेरनी? हाँ वो एक औरत है, लेकिन जंगल की शेरनी से ज्यादा खूंखार। लेकिन जब्बार साहब के सामने वो चू भी नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हारे लिए ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? वो कुछ कागजात थे, जाने मैंने कहाँ रख दिए। ये आपका हमेशा का मसला है। देखो, जितना मैं चीजों को संभाल के रखता हूँ ना, उतना ही वो गुम हो जाते हैं। इतना संभाल कर मत रखा करो, क्योंकि जितना आप संभाल कर रखते हैं उतना हमें ही ढूंढनी पड़ती है। मैं खोलता हूँ। लो लो लो, मिल गया।
शुक्र है आपके कागजात तो मिले। तस्वीरें कुछ जानी पहचानी सी हैं। कौन सी? ये दुल्हन बेगम नहीं? ये शाइस्ता की तस्वीर है। शाइस्ता? वही जो अपने आप को अब दुल्हन बेगम कहलवाती है। ये मेरी फूफी की बेटी है। मेरे फूफा ने दो शादियां की थी। एक बीवी से उनकी औलाद ये शाइस्ता थी और दूसरी से एक बेटा आरिफ था। मेरे फूफा के इंतकाल के बाद उन दोनों को जायदाद से हिस्सा मिला था, लेकिन आरिफ ने थोड़े ही अरसे में अपनी हिस्से की सारी जायदाद अलल्लों तलल्लों में उड़ा दी। भाई बहन में ताल्लुकात बड़े कशीदा थे। उस मौके पर मैंने शाइस्ता का काफी साथ देने की कोशिश की थी। फिर इसी दौरान कहानी में एक शख्स कमाल दाखिल हुआ जो शाइस्ता के भाई का दोस्त था। किसी तकरीब में ये शाइस्ता से मिला और फिर दोनों करीब आते गए। शुरू में तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शक होने लगा कि इस शख्स में और शाइस्ता के भाई में कुछ मिली भगत है। मैंने उसका इजहार शाइस्ता से किया, मगर वो तो उसकी मोहब्बत में दीवानी हो रही थी। एक दिन जब मैंने शाइस्ता से ये कहा कि ये शख्स दोनों हाथों से उसे लूट रहा है, तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। शाइस्ता ने उसके सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा और यह कहा कि वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तो फिर आप वहां से चले आए? उस दिन के बाद मैं उस कस्बे में वापस कभी नहीं गया। तो दुल्हन बेगम का क्या हुआ? यह किस्सा मुझे रिश्तेदारों से पता चला। उसकी शादी की तारीख तय हुई, मेहमान जमा हुए, तैयारियां हो गई, दूल्हा का इंतजार हो रहा था। बहुत इंतजार बाद वो तो ना आया, मगर एक खत आया उसकी तरफ से। मेरी तरफ से माजरत कबूल करो, मैं ये शादी नहीं कर सकता, फकत तुम्हारा। जिस वक्त शाइस्ता को यह खत मिला, उस वक्त 8:40 हुए थे। अच्छा, इसीलिए उनके घर की हर घड़ी इसी वक्त पर बंद है? हाँ, उसने अपने आप को बावर करा लिया कि वक्त कहीं रुक गया है, जिंदगी ठहर गई। वो बहुत अरसा बीमार रही। फिर उस दिन के बाद उसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। नजमा, तुम अकेले आए हो? तुम्हारा दोस्त वो क्या नाम है उसका, मोहम्मद अली, साथ नहीं आया? सर, उसने आना था मेरे साथ, लेकिन आप तो जानते हैं कितना गैर जिम्मेदार है वो, वक्त पर पहुंचा ही नहीं। खैर, अभी तो खाने में कम से कम आधा घंटा बाकी है। नजमा, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर।
परवेज ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे गार्डियन ने तुम्हें दो चीजों की गिफ्ट दी, एक है एक नया पेंट हाउस जिसमें तुम आज से रहोगे इंडिपेंडेंटली, ये उसकी चाबी, और एक है एक नई गाड़ी जो वहां बाहर खड़ी है जिससे तुम साथ ले जाओगे। मेरे लिए सर? थैंक यू। क्या देख रहे हो? सर कुछ नहीं। अपनी कलाई मत छुपाओ नजमा, दिखा दो परवेज साहब को। ऐसा ना करें मालिक। दिखाओ। देख रहे हो इन हाथों को? मेरे मुशाहदे में इससे ज्यादा ताकतवर जनाना हाथ नहीं आए। अगर तुम इससे पंजा लड़ाओ तो यकीनन हार जाओगे। ठीक है, तुम जा सकती हो। लो पियो। थैंक यू सर। हाँ वो तुम्हारा बदतमीज दोस्त दाराब जी, उसको कोई जरूरी काम था। हाँ उसका फोन आया था, मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरे पुराने दोस्त फजली साहब का बेटा है। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उसे बहुत पसंद करता हूं। वो पैदाइशी फाते है। मेरा तुम्हारे लिए एक मशवरा है कि तुम इसे बच के रहना। इस किस्म के अफराद आसपास के लोगों को रोनते हुए गुजर जाते हैं। मेरी ये पेशेंगोई याद रखना। याद रखूंगा सर। शरीफ एक बात बताओ हमको, परवेश का क्या खबर है? अरे भाई बंगला है, गाड़ी है, बड़ा आदमी हो गया है वो। अरे वाह,
हम लोग से मिलने भी नहीं आया। अरे आदमी के पास वक्त कहाँ होता है सिद्दीक भाई। अरे तो तुम क्यों मिलके नहीं आया उससे? मैं कहाँ कराची दर बदर फिरूंगा। अरे बाबा हम तो हर महीने जाता हूँ, पता ले लेना, मिलवा देगा या साथ चलना हम लोग के, समझे? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अरे वालेकुम सलाम बहन भाई, खैरियत है? अरे बाबा सब ठीक है। अदा शरीफ यार तुम तो कमाल करता है यार, तुमको तो पूरे कस्बे में हम ढूंढ ढूंढ के थक गया है यार। दुकान में भी क्या, उधर भी तुम नहीं था। अच्छा अभी बात सुनो, वो दुल्हन रानी है नी, उसने तुमको बुलाया है कल सुबह। मुझे? मुझसे क्या काम? बाबा ये तो मेरे को नहीं पता है कि क्यों, बाकी वो कह रही थी कि परवेज का भेनोई जो है ना, उसको सुबह हवेली में मेरे पास भेजो। आप लोग तो जानते हो कि इस किस्म के जिम्मेदारी के काम है नी वो मेरे को सौंपती है। तो आप भी साथ चले ना। अभी बाबा बुलाया तेरे को, मैं क्यों जाऊं तेरे साथ? जाना जरूरी है। जाहिर है जाना तो जरूरी है। दुल्हन रानी भले किसी को नहीं बोले, लेकिन तुम तो जानते हो ना, और सारा कस्बा भी जानता है कि परवेज की जिंदगी बनाने में दुल्हन रानी का सबसे बड़ा हाथ है। इसमें तुम थोड़ा बहुत सेहरा मेरे सर डाल सकते हो, लेकिन फैसला तो दुल्हन रानी ने ही करना था नहीं। अभी दुल्हन रानी ने तुमको बुलाया है तो तुमको जाना तो जरूरी है शरीफ। एक परवेज एक बात बताऊं, ये तेरे खराजात जो है ना दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे। तुमने सुना नहीं बाबर बेश कुछ के आलम में दोबारा नहीं सुना? हाजरा को कुछ खाने को दे दिया था? नहीं बस बना रही हूँ। आ गए दुल्हन बेगम से मिलकर? हाँ। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो शैला एबटाबाद से आ गई है। मुझसे दुल्हन बेगम ने कहा है कि मैं परवेज को खत लिखकर उससे मिलने के लिए बुला लूं। फिर? जाहिर है हमें तो वही करना पड़ेगा ना जो वो कहेंगी। तुम एक परवेज को खत लिख दो। एक बात कहूँ शरीफ भाई? हाँ। वो आप कह रहे थे ना कि चाय वाले सिद्दीक कराची जाते रहते हैं? हाँ। और उन्होंने आपसे कहा भी था कि परवेज से अगर मिलना हो तो वो आपको कराची ले जाएंगे? हाँ। तो फिर आप हो आए, बहाना भी है, दुल्हन बेगम का पैगाम भी दे दीजिएगा और देख लीजिएगा किस हाल में है, क्या कर रहा है। अब तो वो हम लोगों को भूल ही गया है, खत के जवाब लिखने भी छोड़ दिए। नहीं भाई, वो बड़ा आदमी हो गया है अब। मगर है तो हमारा परवेज। वो तो ठीक है, मगर देखो ना मेरे पास तो एक अच्छा जोड़ा भी नहीं है। आप ऐसा करें कोई अच्छा जोड़ा चाचा रहीम से ले लीजिए। ठीक है। अच्छा
फिर मैं जाता हूँ। क्या शरीफ भाई, क्या कराची जा रहे हैं? अरे नहीं भाई, सिद्दीक भाई से मिलकर पूछ तो लूँ कब कराची जाना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। है बुशरा, अब क्या हुआ शरीफ भाई? देखो ना, खत तो फिर भी उसे लिखना पड़ेगा ना, इतना बड़ा आदमी हो गया है, उसे अहमद की इत्तला तो देनी होगी। तुम एक खत लिख रखो, मैं अभी आया। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं खत लिख के रख लेती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। कासिम देखो बाहर कौन है। बिल बिल, ये भी बिल, बुशरा का खत, ये सब रद्दी की टोकरी में डाल दो। अच्छे परवेज, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। तुमने तो खत लिखने ही छोड़ दिए हैं। खैर, शरीफ भाई सिद्दीक भाई के साथ मंगल को कराची आ रहे हैं। आपा वैसी की वैसी हैं, हम अक्सर तुम्हारी बातें करते रहते हैं। शरीफ भाई शहरी आदाब से वाकिफ नहीं, मगर तुमने उनको हमेशा चाहा है, और आदमी जब किसी को चाहता है तो छोटे बड़े का फर्क नहीं रहता। खुदा हाफिज बुशरा। हेलो, आइए यार। ये बता, मंगल कब है? मंगल? मंगल 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 बुध से पहले और पीर के बाद। ओहो, मेरा मतलब है आज से कितने दिन बाद? कल है यार। कल? वैसे बाय द वे, क्या कयामत आ रही है कल। शरीफ भाई आ रहे हैं। शरीफ भाई आ रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की खबर है, मगर तुम खुश नहीं हुए कुछ? बड़ा अजीब सा लग रहा है इतने सालों बाद, इतने सालों बाद मिलेंगे। कासिम चाय तो पिलाओ। मुझे भी एक कप और देना। नहीं मेरी जान, नहीं। रहवारे वक्त ने हमारे, रहवारे वक्त के सुमो ने हमारे, हमारे जी ये क्या हो रहा है? आप इतने सीनियर आर्टिस्ट होने के बावजूद सब कुछ भूल गए। आपको पता है ना कल प्ले है, आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट देखने से ही तरह आराम से याद करके, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप आराम से करें। ठीक है जी, मैं अब नहीं भूलूं। हाँ ओहो, ये अभी तक मैं पता क्यों नहीं पाता? बड़े मियाँ प्रॉम्प्टर की आवाज भी तो नहीं सुनते, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या होता जा रहा है? पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या होता जा रहा है? तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होता जा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होता जा रहा है? सुना है बीवी के मरने के बाद से ये हाल हुआ है? अच्छा होगा होगा होगा, आप शुरू करें, शुरू करें। अच्छा होगा होगा होगा। नहीं मेरी जान, नहीं। रहवारे वक्त के सुमो ने हमारे चेहरों को रौंद दिया है, और हमारा दिल किसी मैदान में काम आए हुए, और हमारा दिल किसी मैदान जंग में काम आए हुए तमन्नाओं की लाशों की तरह पटा पड़ा है। ओहो, लगता है कि पूरा प्ले प्रॉम्प्टर पे चलाना पड़ेगा मुझे। और
देखो कौन? शरीफ साहब जी, आप शरीफ साहब हैं ना? जी नहीं, जी हाँ, मैं शरीफ हूँ, मेरा नाम शरीफ है जी। तो खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, आ जाइए। परवेज साहब जी, जी वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आप अंदर तो आइए ना, आइए। बैठे शरीफ भाई, आराम से बैठे। मैं आराम से हूं। और सब खैर तो है जी? बाकी सब लोग कैसे हैं? आपकी दुआ है, आपकी आपा बिल्कुल ठीक हैं। आपको तो पता है वो किसी को पहचानती नहीं, वरना वो जरूर आपको दुआएं भिजवाती। और बुशरा वो भी बिल्कुल ठीक है, हट्टी कट्टी। और चाचा रहीम वो तो बस आप ही की बातें करते रहते हैं। और सब लोग, सबने आपको सलाम भिजवाया जी। तो शरीफ भाई आप बताइए, ठंडा लेंगे या गरम? जी मेरा मतलब है चाय पियेंगे या ठंडा? मैं ठंडी चाय पी लेता हूँ जी, गरम करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मेरा ख्याल है गर्मी ज्यादा है, शरबत ठीक रहेगा, क्या ख्याल है? आपका ख्याल सही है। बस तो मैं 2 मिनट में आया। कैसे हैं? अरे भाई ये क्या आपने आप लगाई हुई? अब आप बड़े हो गए हैं ना, फिर आप? असल में मैं तुमको एक पैगाम देने आया हूँ। दुल्हन बेगम ने कहा है कि शैला एबटाबाद से आ गई है, तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। ओह अच्छा, तो आपने खामखा तकलीफ किया आने की, मुझे तार भिजवा दिया होता। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन बुशरा ने कहा कि खुद जाकर बताओ और परवेश को देखाओ कैसा है, क्या कर रहा है। मुझे नहीं आना चाहिए था ना? अरे नहीं नहीं, अच्छा किया आप आए। वैसे कब जा रहे हैं आप? बस अभी जा रहा हूं। अरे नहीं शरीफ भाई, ऐसा करें कि आप खाना खा के जाइएगा। नहीं, मैंने सिद्दीक भाई से कहा है कि मैं बस अभी आता हूं। अच्छा, रास्ता मिल जाएगा आपको, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो। परवेश, जिंदगी ऐसी ही है, हम सब एक जैसे हाथ लेकर पैदा होते हैं और फिर कुछ हाथ संगालूद हो जाते हैं, काले, और कुछ सफेद रहते। मैं खुश हूं कि तुम्हारे हाथ सफेद हैं, बल्कि ये तो सफेद भी नहीं, ये तो सुनहरे हैं, सोने के हाथ। परवेज मुझे पता है तुम्हारे जानने वालों के सामने मैं बहुत बेवकूफ लगा हूं, पर मैं क्या करता, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मैं इतनी सारी सजावट का आदि नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहां गए? चले गए। चले गए, मगर कहां? ठहरे क्यों नहीं? और तुमने रोका भी नहीं? नहीं। क्यों? पता नहीं। कमाल करते हो परवेज। कमाल ही तो किया। शरीफ भाई, शरीफ भाई,
परवेज, शरीफ भाई, शरीफ भाई, चले गए। आपको कोई एतराज? आप लोगों को पब्लिक ट्रेन में इन्हें नहीं ले जाना चाहिए। नहीं तो क्या हमारे लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी? सड़क से वहां जा नहीं सकते, रोडें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से गर्द उड़ोड़ कर पड़ती है, और वहां पहुंचकर ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन पुलिस वाला है और कौन कैदी। वैसे मेरा ख्याल है कि हुकूमत को हमारे लिए हवाई जहाज का बंदोबस्त करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा। पढ़े लिखे कैदी लगते हो, क्या जुर्म किया है तुमने? तुम जैसे एक आदमी का टेटवा दबा दिया। समझ नहीं आता उस्ताद के तुम पकड़े कैसे गए? उस खबीस लड़के की वजह से, जिसने उस बदबख्त निसार को हथकड़ियां काटने में मदद दी और फिर उसे खाना भी खिलाया। काश वो लड़का एक बार मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका वो हशर करूं कि जिंदगी भर याद करे। खैर, वो लड़का मुझे मिले ना मिले, उस मनहूस निसार को तो मैं माफ नहीं करूंगा। मार डालूंगा उस कमीने को, खत्म कर दूंगा मैं उसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ काम करते हो? जी हाँ। अरे अदर शरीफ, कहाँ जा रहा है? अरे भाई, सौदा लेने जा रहा था। अरे बाबा, बड़ा मेहमान नवाजी हो रहा है। कौन मेहमान? अरे हम परवेश का बात करता है, सुल्तान ने हमको बताया था, वो परवेश को अपना गाड़ी में दुल्हन बेगम की हवेली लेके गया स्टेशन से। हाँ, अभी तक घर नहीं आया? नहीं तो। हाँ अरे बाबा, अभी आता होगा, फिक्र नहीं करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ घर, मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा जरा आराम से, आराम से, आराम से, तकड़ नहीं करो। कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। काफी बदली बदली सी लग रही है शैला, क्यों परवेज? जी हाँ, लामा भर तो मैं बिल्कुल नहीं पहचाना था, मगर अब वही पुरानी शैला लग रही है। पुरानी वाली शैला जिससे तुम डरे डरे रहते थे, मगरूर बात बात पर तोइन कर देने वाली शैला, याद है तुम्हें? सही कह रही हैं आप, मैं अक्सर इसके साथ बहुत ज्यादा कर दिया करती थी। अक्सर? और तुम्हें परवेज में कोई तब्दीली नजर नहीं आती? जी बहुत बहुत ज्यादा। अब ये पहले की तरह
इतना आम इतना मामूली आदमी नहीं लगता, क्यों है ना? ठीक, शैला एबटाबाद से यहाँ आ गई है। मैं चाहती हूं कि अब ये कराची जाए, वहां की भरपूर शहरी जिंदगी का मुशाहिदा करें। क्या ख्याल है परवेज तुम्हारा? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने इसके रहने का वहां बंदोबस्त तो कर दिया है, बहरहाल फिर भी अजनबी शहर है, इसे तुम्हारी मदद की जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल, मैं तो हाजिर हूं। बच्चों अब तुम लोग बाहर जाकर बातें करो, मुझे थोड़ा आराम करना है, ठीक है? कितना बदल गया निशा। आदमी की जब किस्मत बदल जाए तो उसका सब कुछ बदल जाता है। बचपन में जिन लोगों के साथ तुम रहते थे वो तुम्हारे लिए सब कुछ थे, अब वो तुम्हारे लिए किसी और शहर के पास है। तुम्हारा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्यों? सच कहती हूँ, उनके किस्मत की कश्ती और है और मेरी और, अब हम अलग अलग कश्तियों के मुसाफिर हैं और यही हकीकत है। अब अगर तुम उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक रखना भी चाहो तो ये तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा, कम से कम मैं तो ऐसे ही समझती हूँ। हम किस्मत की टोरियों के साथ कठपुतलियों की तरह बंधे हुए हैं। पहली बार जब मैं तुमसे मिला था तो मैं गरीब लड़का था और तुम मेरे लिए चांद की तरह, मुझसे बहुत करीब और बहुत दूर, मेरी गिरफ्त से बहुत दूर। चाहे मैं जितना उछल लूं, जितनी सीढ़ियां चढ़ लूं, एवरेस्ट पे खड़ा हो जाए, मगर चांद और उंगलियां जिदा जिदा ही रहती हैं। उसके बावजूद उस दिन तुम मुझसे इतनी करीब खड़ी थी जितनी आज हो। किस दिन? पहली बार जब मैं तुमसे मिला था, तुम्हें याद है? नहीं। हाँ, तुम्हें क्यों याद होगा? यादों का सिलसिला तो दिल से बनता है। दिल अगर किसी खून की पंपिंग मशीन को कहते हैं तो हाँ, है मेरे पास एक दिल, लोगों को रोने और कुचलने वाला दिल।